गाइज़ ये मैंने फ़्लिपकार्ट से बाय किया था। आगे का जो भी मेरा ब्लॉग होगा उसका साउंड जो रिकॉर्ड होगा इस माइक से ही होगा। ये तो खाली है। ये माइक है बोया M1 का माइक है, अच्छा माइक है। मैं जो ये माइक लिया हूँ इसका मैं रिव्यू देख के और रेटिंग देख के ये माइक बाय किया हूँ फ्लिपकार्ट से अपने ब्लॉग्स में यूज़ करने के लिए। तो इसका वायर जो है थोड़ा लंबा है, बस यही थोड़ा डिफिकल्ट आएगा क्योंकि ट्राइपॉड में थोड़ा शॉर्ट चाहिए। बोया M1 तो ये वारंटी कार्ड दिया गया है, 1 साल का वारंटी है। यूजेज जो भी होगा वो सब बताया गया है। और ये फाइनली आ गया माइक अपना। पैकिंग तो अच्छा किया है बोया। तो गाइस इसका जो वायर है ये थोड़ा लंबा है और ये क्या है इसको मैं ये क्लिप दिया गया है। अगर आप शर्ट में यूज़ करते हो या टी शर्ट में तो वहाँ पे आप ऐसे क्लिप कर सकते हो। ये एक बैटरी भी दिया गया है जो कि इसमें लगेगा। मैं इसको सेट कर लेता हूँ तो ये पूरी तरह से फिक्स हो चुका है, सेट हो चुका है। तो गाइस इसका जो वायर है 6 मीटर का वायर है। अगर आप कैमरा में यूज़ करते हो तो इसको कैमरा मोड में देना होगा। इसको मैं भी यहाँ पे सेट करता हूँ। तो गाइस मैंने बैटरी सेट कर दिया। तो अभी मैं इसका साउंड चेक करता हूँ गाइस। इसका जो वायर है थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लंबा है जो कि डिफ़िकल्टी होगा मुझे अपना ब्लॉग में। साउंड क्वालिटी अगर अच्छा हुआ तो मैं यूज़ करूँगा रेगुलर जो मेरा ब्लॉग आएगा। मैं इसको फ़ोन में सेट कर रहा हूँ। तो गाइस साउंड क्वालिटी कैसा लग रहा है आपको पता चल ही रहा होगा, बाहर बहुत नॉइस है। और इसका एक क्वालिटी है कि एक्स्ट्रा साउंड को ना नेगलेक्ट कर देता है, इसलिए मैंने इसको बाय किया था। क्योंकि मुझे ब्लॉग करना होता तो मैं आउटसाइड अगर ब्लॉग करता हूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड आता है एक्स्ट्रा साउंड, जो कि मोबाइल का जो माइक है वो अवॉइड नहीं कर पाता है। सो मैंने ये माइक लिया हूँ क्योंकि अभी आपको साउंड पता चल ही रहेगा, इसका और भी बेटर साउंड हो सकता है। उसके लिए मुझे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, ओपन कैमरा। तो आपको ये साउंड कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताना, क्वालिटी कैसा है माइक का। और इसका 1 साल का वारंटी दिया है। ये जो मेरा ट्राइपॉड है इसमें है कि इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो वायर है ना बहुत लंबा है गाइस, ये 6 मीटर का वायर रहता है इसमें, और ट्राइपॉड में इसको शॉर्टली यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा है गाइस अभी आपको साउंड क्वालिटी पता चल ही रहा होगा। तो गाइस अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो ना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करिएगा। तो गाइस मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।